एक चौपाई हमें याद आ रही है, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगत बत सारंग पानी। खबर पीलीभीत से आ रही है, पीलीभीत के पूरनपुर में विशाल संत सम्मेलन का हुआ आयोजन, हजारों की संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालु। देश के कोने कोने से पूरनपुर के राम जानकी मंदिर पहुंचे संत, संतों की माधुर्यपूर्ण बनी सुने भक्ति में शराबोर हुए श्रद्धालु। वरिष्ठ अधिवक्ता सरोज वाजपेयी ने किया संत सम्मेलन का संचालन, अनंत मधुर संचालन सुन भाव भियोर हुए श्रद्धालु। पूज्य संतों का दोहा और चौपाई से किया गया स्वागत। पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के राम जानकी मंदिर में बाबा रणछोड़दास की बरसी पर महंत राघव दास ने विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया। ये संत सम्मेलन पूरनपुर के इतिहास में पहला संत सम्मेलन था। इस संत सम्मेलन में बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से संत पहुंचे और अपनी माधुर्यपूर्ण वाणी से श्रद्धालुओं को ज्ञान और भक्ति से सराबोर कर दिया। उत्तर प्रदेश के काशी, मथुरा, नैमिष, अयोध्या सहित तमाम जनपदों से बड़े संत पीलीभीत पहुंचे। कार्यक्रम का संचालन पीलीभीत के कसगंजा निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता सरोज वाजपेयी ने किया। सरोज वाजपेयी का अनंत मधुर संचालन सुन श्रद्धालु भाव भियोर उठे। जो नैमिष से आए हैं, नैमिष वो स्थान है जहां 10 महाविद्या में से एक महाविद्या ललिता महारानी विराजमान है। यही त्रिपुर सुंदरी भी है और समस्त पुराणों का वाचन सूची के द्वारा नैमिष में ही किया गया। ऐसी पुनीत ऐसा पुनीत स्थान नैमिष है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है धोए, सुख दीने सुख होत है दुख दीने दुख होए। ऐसे परम पुनीत तीर्थ वर्ण में सुविख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, ऐसे पुनीत स्थान से आए हुए महाराज श्री जीवनदास जी को मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो अपने आशीर्वचन हम लोगों के बीच कहें। इसी क्रम में एक चौपाई हमें याद आ रही है, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगत बत सारंग पानी। ऐसे धर्म धुरंधर आदरणीय धर्म जागरण मंच के प्रमुख, प्रांत प्रमुख दिनेश लावानिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने उद्बोधन से हम लोगों को संतृप्त करें। और आपने जो दान की बात कही उस पर हमें एक बात याद आ गई, रहीमदास जी जब दान देते थे तो अपने नेत्र कर नीचे कर लेते थे। किसी ने पूछा कि रहीम जी आप अपने नेत्र नीचे क्यों कर लेते हो, तो रहीमदास जी ने एक सुंदर बात कही थी, देनहार कोई और है जो परसत दिन नयन, और लोग भ्रम हम पर करत ताते नीचे नयन। ऐसे दान के विषय में आप लोगों को बताया लवानिया साहब ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं परम पूज्य जीवनदास जी महाराज जो नैमिष से आए हैं, नैमिष